इस्माइलाबाद में स्टीलमैन एकेडमी में करवाई गई हरियाणा स्टेट पावर लिफ्टिंग डेडलिफ्ट बंच प्रेसेस चैंपियनशिप। आपको बता दें कि जिले से 120 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 18 से 22 सितंबर तक चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में स्टीलमैन एकेडमी में हरियाणा स्टेट पावर लिफ्टिंग डेडलिफ्ट बंच प्रेसेस चैंपियनशिप करवाई गई है, जिसमें जिले से 120 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 18 से 22 सितंबर तक चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप है जो बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट का अलग कराया जा रहा है और पूरी पावरलिफ्टिंग कराई जा रही है। मैं ये तीसरा कंपटीशन करा चुका हूँ, तीसरा मतलब स्टार्ट है, और ये नेशनल की सिलेक्शन के लिए जो चेन्नई में होनी जा रही है 18 से 22 अगले महीने सितंबर में। तो ये कंपटीशन IPF के अंडर होता है, इंडियन पावरलिफ्टिंग फाउंडेशन के अंडर, और ऐसे ही मैं बहुत से कंपटीशन और भी कराता रहता हूँ। तो मेरा मकसद यह है कि जैसे मैं एक USA से मैं अकेला सिख सरदार सेलेक्ट हुआ हूँ इंडिया के लिए पावर MMA फाइटिंग गेम में, तो मैं चाहता हूं कि और भी मेरे नौजवान, हमारे देश के, इंडिया के नौजवान पूरे वर्ल्ड में अपने इंडिया का नाम, अपने सिक्की का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाएं। तो मेरा ये फ़र्ज है, मैं अपना फ़र्ज पूरा करता रहता हूं और मैं ऐसे ही कंपटीशन कराता रहता हूं। और ललित पाजी जो दिल्ली से इसके हेड है IPF के, और अतुल पाजी जो मेरे साथ पूरा साथ देते हैं, तो उनके वो एज ए पूरी टीम लेके आते हैं। और ये तीसरा कंपटीशन है हमारा, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। हरियाणा से हमारे पास बच्चे आए हैं, सिरसा, हिसार, जींद, पूरा हरियाणा, गुड़गांव से, टोटल अब की बार हमारे पास 120 बच्चे जो अच्छे पावर लिफ्टर आए हैं। हाँ, मैन वुमेन दोनों हैं, और बहुत अच्छा कंपटीशन जा रहा है, और पूरे इस्माइलाबाद वासियों का बहुत प्यार मुझे मिलता है और पूरे इलाके का, और ऐसे ही मैं प्रोग्राम कराता रहूंगा और अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाता रहूंगा। इस्माइलाबाद से मैं हूँ, छोटा सा कस्बा था जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी कमेटी बन चुकी है, तो अभी हमारे चेयरमैन भी बन चुके हैं। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना सरकारों से मदद मिली ना कुछ, पर मैंने हौसला नहीं मारा। परमात्मा कृपा से आज मैं पूरे वर्ल्ड में स्टीलमैन के नाम से जाना जाता हूँ, और मेरे पास 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और मैं MMA फाइटर इंडिया से अकेला सीखूँ जिसको अमेरिका ने सेलेक्ट किया। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नौजवानों, जो आप नशों में जा रहे हो, नशों को छोड़ो, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, और स्ट्रॉन्ग बनो, किसी भी गेम में जाओ, अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाओ। ललित कुमार, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड द सेक्रेटरी ऑफ IPM फ्रॉम दिल्ली स्टेट। और यहाँ पे IPF की नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है चेन्नई में, जो कि 14 सितंबर से 18 सितंबर को होगी। उसी का हरियाणा का यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल चल रहा है, जिसमें से बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे और आने वाली हमारी IPF की जो नेशनल की चैंपियनशिप है डेडलिफ्ट की चेन्नई में, वहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा, वहाँ पे उनको खिलाया जाएगा। जब से कब तक चैंपियनशिप होनी है चेन्नई में? 14 सितंबर से ये 18 सितंबर को होनी है चैंपियनशिप। अध्यार चेन्नई में एक लोकेशन है मरीना बीच के पास, वहाँ पे ये चैंपियनशिप होनी है, और वहाँ पे उसी का यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है। कितने खिलाड़ी आएंगे हरियाणा? हरियाणा से ऑल ओवर, ये हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, अपना फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और हिसार, सिरसा, यमुनानगर, इन सारी जगह से यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा नाम है अतुल कुमार और मैं दिल्ली से हूँ और IPF का प्रेसिडेंट हूँ। IPF के बारे में बता रहा हूँ कि मैं आपको कम से कम IPF से 10 साल से जुड़े हुआ हूँ, और IPF से ही मैं बहुत कुछ काम है, अभी बहुत सारी चीज़ें पाई हैं। मैं आगे बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि अच्छी जगह खेलो। बच्चे जाते हैं गली मोहल्ले में खेल के आते हैं, और ये ऐसी जगह पर नहीं खेलते जहाँ नाम, सम्मान, नौकरी, जॉब सब कुछ मिलेगा। यहाँ कितने खिलाड़ी हैं? यहाँ तो पूरे हरियाणा से खिलाड़ी आए हैं, 120 प्लेयर आए हैं यहाँ पे। अभी
अब चेन्नई जाएंगे, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम चेन्नई है नेशनल के लिए 14 से 18। क्या संदेश देंगे खिलाड़ियों को? मैं तो खिलाड़ियों को बस ये संदेश दूंगा कि अच्छे गार्डियन में अपना प्रैक्टिस करो और अपने बाम आपका अपना रोशन करो।